कराची किंग्स के कई खिलाड़ी फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। डॉक्टर्स खिलाड़ियों का मुआयना करने में मसरूफ है। और हब बिरयानियां पिलाओ, देखे क्या शुरू हो गया। 20 में से 13 प्लेयर्स कराची किंग्स के जनाब बीमार हो गए हैं। के प्लेयर्स के पेट खराब हो चुके हैं और एक को तो हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाया जा चुका है, जबकि कुछ को होता है इसमें भी ड्रिप लगी हुई है और फूड पॉइजन में कुछ को ड्रिप्स लगी, कुछ को बुखार था, एक आध को शायद हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। नसीम भाई, बाहर निकलना अलाउ नहीं होता तो फिर क्या, और होटल फाइव स्टार होता है तो फिर होटल का खाने में कोई मसला था या इन्होंने बाहर से खामोशी से किसी की कोई रिश्तेदार दे गया था साग पालक को जो गड़बड़ कर गया, ये कभी सुना नहीं है। 13 खिलाड़ी यानी कि 13 ने एक साथ खाया खाना। और अभी जब इंडिया, इंग्लैंड की टीम जब इंडिया आई है भाई, वो तो अपना शेफ लेकर आ रहे हैं कि इंडिया में खाने अच्छे नहीं मिलते। आज आपने देख लिया कि क्यों अपना शेफ लेकर इंडिया में इंग्लैंड की टीम आई थी, क्योंकि आपने देखा कि फॉरेन प्लेयर तो फॉरेन प्लेयर पाकिस्तानी प्लेयर्स के भी जो है वो पेट खराब हो गए। हाँ, मैं अरबाब इख्तियार से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दरखास्त करता हूँ, एक इंक्वायरी तो करवाएं यार। हाउ इज दैट पॉसिबल? आई थिंक किसी फूड में या क्यों इनको कोई नाकिस क्या ड्रिंक मिली है या नाकिस पानी मिला है, कोई दम वाला पानी था जिससे इनके पेट में जो है वो मसाइल पैदा हुए। ये होटल को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। मैं मैच शुरू होने से एक दिन पहले मैं उधर जाता हूँ, DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान क्रिकेट एकेडमी, मैं जब वापस आ रहा था तो ये दोनों टीमें कहीं से खाना खा के आ रही है। करन पुलार्ड, तबरेज शमसी, हसन अली, जेम्स विंस और वो डिप्लॉय तो बेचारा हॉस्पिटल पहुंच गया है। भाई ऐसा क्या खा लिया आपने, ऐसा क्या पी लिया आपने कि सिचुएशन ऐसी हो गई है? चाहिए अगर आप सारी चीजें खाएंगे तो फिर डेफिनेटली आपकी तबीयत खराब होगी, पर हाँ एक या दो प्लेयर की हो सकती है, 10 से 11 या 12 प्लेयरों की नहीं हो सकती। इसका मतलब है फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है खाने में। और ऐसा क्या कोई एक चीज ही है जिसका असर तकरीबन 13 बंदों पर हुआ? खाना खाकर आए या अपनी मनपसंद खाना खाकर आए, ठीक है, जो इन्होंने कहा था वही इनको खाने को मिला, पेट खराब हो गया, तो इसका मतलब है तुमने होटल जाके कुछ किया है भाई पे। हाँ, होटल जाके कुछ किया, वहाँ के खाने में कुछ नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल मत भूले। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन इसके ऊपर। देखिए क्या शुरू हो गया, 20 में से 13 प्लेयर्स कराची किंग्स के जनाब बीमार हो गए हैं। फूड पॉइजनिंग, वो जो कहते हैं ना कि लूज मोशंस और वॉमिटिंग, ये सारे मामले पैदा हो गए। करन पुलार्ड, तबरेज शमसी, हसन अली, जेम्स विंस और वो डिप्लॉय तो बेचारा हॉस्पिटल पहुंच गया है। भाई ऐसा क्या खा लिया आपने, ऐसा क्या पी लिया आपने कि सिचुएशन ऐसी हो गई है? अब 20 में से 13 प्लेयर जब बीमार होंगे तो आप फाइनल 11 कैसे सिलेक्ट करेंगे, सवाल तो ये है। अब लेने के देने पड़ गए हैं इंतजामिया को। आप अंदाजा करें मामला की संगीनी का। गोरे बेचारे भाई वो मिर्चे खाते ही नहीं है, अब आपने उनको मिर्चे खिला दी है, वो हशर क्या हो गया उनका, सवाल ये है। कराची किंग्स के कैंप से काफी डिसअपॉइंटिंग न्यूज सामने आई है और इस न्यूज के मुताबिक कहा जा रहा है कि प्लेयर्स के पेट खराब हो चुके हैं और एक को तो हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाया जा चुका है, जबकि कुछ को हुतास में भी ड्रिप लगी हुई है। पेट के अमराज में मुब्तला हुए हैं, कल भी ये शिकायत आई थी कि खिलाड़ी पेट के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। इस हवाले से PCBA ने कोई वादे तौर पर अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बताई है कि आया खिलाड़ियों के लिए क्या फाइल है, क्या उनके फूड में इशू है, उनके पानी में इशू है, अगर ऐसा मसला क्यों हो रहा है कि एक नहीं बल्कि आज तो 13 खिलाड़ी जो है वो पेट के अमराज में जो है वो मुब्तला हुए हैं, जिन्हें तिबी इमदाद दी गई है। एक खिलाड़ी को जो है अस्पताल भी ले जाया गया है, जो कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब थी। कहा बड़ी मुश्किल से जो दिल दहल रहा है, मैं पूछ लूं अगर आज मैच होता दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, 13 खिलाड़ी बीमार है, कौन कौन से खिलाड़ी बीमार है और कौन से खिलाड़ी खेल सकते हैं आज का मैच? देखिये, दो गैर मुल्की प्लेयर है वो तो इस मर्ज में मुब्तला है, क्योंकि उनकी तो वजह भी समझ में आती है कि हो सकता है उनको पानी का कोई फर्क पड़ा हो, लेकिन जो हमारे लोकल प्लेयर है वो भी बीमार है और अभी जो थोड़ी बहुत तबियत बेहतर हुई है तो उन प्लेयर्स को मिलाकर इन्होंने 11 खिलाड़ी जो है वो तरतीब है। अब देखना यह है कि कौन कौन से खिलाड़ी अब मैदान में उतरते हैं और उनकी तबियत कैसी है। बजाही के प्रैक्टिस सेशन में हमने ये देखा कि इनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो ऐसी नहीं थी, नकाहत इनके वादे थी, इनके चेहरों पर भी उसकी जो है नकाहत बता रही थी। एग्जैक्टली कल ये बात हो रही थी कि बॉडी लैंग्वेज काफी डाउन लग रही थी कराची किंग्स के प्लेयर्स की, से कराची की हालत हो गई है नाजुक। हाँ, मैं अरबाब इख्तियार से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दरखास्त करता हूँ, एक इंक्वायरी तो करवाएं यार। हाउ इज दैट पॉसिबल? आई थिंक किसी फूड में या क्यों इनको कोई नाकिस क्या ड्रिंक मिली है या नाकिस पानी मिला है, कोई दम वाला पानी था जिससे इनके पेट में जो है वो मसाइल पैदा हुए। मतलब आई थिंक के इट्स लुक लाइक के फूड पॉइजनिंग टाइप ऑफ इशू लग रहा है ऑलमोस्ट। ये 13 प्लेयर्स जिस तरह से इससे इफेक्ट हुए हैं जी। और कराची किंग्स की जो इंतजामिया है वो सर जोड़कर होटल में बैठी हुई है और टीम होटल में ही मीटिंग हो रही है कि किस तरह आज वो अपने 11 खिलाड़ियों को मैदान में उतारे, क्योंकि जो सूरत हाल बताई जा रही है वो काफी तश्वीशनाक है। जिस होटल में टीम सारी टीमें ठहरी हुई हैं उसी होटल में कराची किंग्स की टीम ने भी खाना खाया। कल उनके जो दो प्लेयर थे जेम्स विंस और डेनियल सिम्स, ये फूड पॉइजनिंग की वजह से मैच नहीं खेले थे, लेकिन
आज मीर हमदा और अरफात मिन्हास के बारे में बताया जा रहा है कि उनको बुखार है, तबरेज शमसी की भी तबीयत सही नहीं है, डुप्लाई जो उनके एक साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं वो हॉस्पिटलाइज हैं। तो अगर 11 प्लेयर नहीं अवेलेबल कराची किंग्स के पास, अगर ऐसा इशू हुआ हुआ है, 8-9 लड़के हैं, तो फिर क्या होगा? देखिए दानिश, ये तो बहुत ही अनयूजुअल सी सिचुएशन है। अगर आपको याद हो कि 3 साल पहले जब कोरोना था जी, उस जमाने में भी कराची में ही इसी सेम होटल में मसला हुआ था कि बाहर से खाना आया, जिसकी वजह से बहुत सारे प्लेयर जो थे वो कोरोना वायरस का शिकार हुए और टूर्नामेंट जो था वो रोक दिया गया, और उसके बाद टूर्नामेंट का बकिया जो हिस्सा था वो अबू धाबी में कंप्लीट किया गया। अब टूर्नामेंट के लॉस के मुताबिक तो मैच होना है। अगर कराची किंग्स वॉकओवर दे देती है तो क्वेटा ग्लेडिएटर्स को 2 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन बहुत ही अनयूजुअल सी बेसिकली अगर अगर बोर्ड से भी अगर 11 की टीम नहीं बनती है तो क्वेटा ग्लेडिएटर्स को वॉकओवर मिल जाए। अभी इस बारे में बिल्कुल लाइल में कि आगे क्या होने जा रहा है और लॉस क्या कहते हैं। ये होटल को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। मैं मैच शुरू होने से एक दिन पहले मैं उधर जाता हूँ, DHA स्पोर्ट्स क्लब जी, मोइन खान क्रिकेट एकेडमी। मैं जब वापस आ रहा था तो ये दोनों टीमें कहीं से खाना खा के आ रही हैं, दोनों टीमें। मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था सिग्नल पे, इसलिए पुलिस ने रोका हुआ था। वो टीमें गुजरी हैं, दोनों मेरे सामने से गुजरी हैं, 4 बसें और पूरी पुलिस के घेराव में, जिस तरह होता है। मैं जो जो बसें थी जो PCB की थी मैंने देख के पहचान दी, वो किसी के घर पे खाना खाने गए थे। अब उस जिस डायरेक्शन से वाले थे, मैं नाम नहीं लूंगा किसका घर है, वहाँ पे 2 ऐसे हजरात हैं जो बड़े मशहूर क्रिकेटर्स हैं, उनके घर है, वो वहाँ से आए हैं और मेरे सामने से होते हुए गए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो उन्होंने बाहर भी खाना खाया। या अकेले होटल को आप ब्लेम नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली, या आप रूल्स एंड रेगुलेशन जरूर बना सकते हैं, लेकिन आप बाहर से आए हुए इन प्लेयर्स को कैद नहीं कर सकते। आपको इनको एक एक्सपीरियंस भी देना है। हाँ, आपको सेफ्टी को मद्देनजर रखना है, बट आप गिद्ध की तरह इनको देखते नहीं रह सकते, इनको हर वक्त मॉनिटर नहीं कर सकते। देखिए दानिश, दे आर प्रोफेशनल्स। और पहले हम बात कर रहे थे कि जी होटल तक कैद हैं, अब तो गोल्फ खेलने भी जा रहे हैं, और अगर सिकंदर बख्शा भी खुलासा कर रहे हैं कि किसी के घर पे दावत में गए थे तो ये भी अच्छी बात है। कुछ मामला सेहत के हवाले से ऐसे होते हैं कि जिस पर आपका बस नहीं होता, तो जो हुआ है अफसोसनाक हुआ है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। बाकी जो इस वक्त मुश्किल सूरत हाल का कराची किंग्स को सामना है वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इस तरह के जो वाकयात हैं वो डेफिनेटली नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर इस तरह हुआ है तो बहुत ही अफसोसनाक है। देखें, ये प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और प्लेयर खुद बड़ा इस पर रिस्पॉन्सिबल होता है खाने पीने में, अपनी फिटनेस के बारे में। और नो डाउट जब आप किसी फंक्शन पे जाते हैं या इनविटेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे ढेरों किस्म की डिशेज होती हैं, तो वहाँ पे पिक एंड चूज भी करना चाहिए। अगर आप सारी चीजें खाएंगे तो फिर डेफिनेटली आपकी तबीयत खराब होगी। पर हाँ, 1 या 2 प्लेयर की हो सकती है, 10 से 11 या 12 प्लेयरों की नहीं हो सकती। इसका मतलब है फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है खाने में। और आज एक बड़ी खबर आई, गोके कराची किंग जीत भी सकता था, लेकिन उससे पहले खबर आई कि उनके 13 खिलाड़ियों को फूड पॉइजन हो गया, और फूड पॉइजन में कुछ को ड्रिप्स लगी, कुछ को बुखार था, एक आपको शायद हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। नसीम भाई, बाहर निकलना अलाउ नहीं होता तो फिर क्या, और होटल 5 स्टार होता है तो फिर होटल का खाने में कोई मसला था, या इन्होंने बाहर से खामोशी से किसी की कोई रिश्तेदार दे गया था साग पालक को जो गड़बड़ कर गया, ये कभी सुना नहीं है। 13 खिलाड़ी यानी कि 13 ने एक साथ खाया खाना। देखिये, लॉ के तहत आप बाहर से खाना नहीं मंगवा सकते, लॉ के तहत आपने होटल में ही खाना खाना है, और चरखारी जुबान है, कब तक 5 स्टार का फीका खाना खाएंगे? डॉक्टर है, कोई कार्रवाई हुई है, कोई मरीज है, आते तो हैं बाहर से खाने, कोई रोक भी नहीं सकता। देखिए, सिर्फ कराची किंग्स का ही पेट क्यों खराब हुआ? 5 स्टार होटल में जो खाना बन रहा है वो तो एक ही जगह पे बनता होगा, वो ठीक है, सब अपने फ्लोर पे खाते हैं खाना, सबका अरेंजमेंट, ये थोड़ी होगा कि कुक भी एक ही होगा, किचन भी एक ही होगा, पीसी जो जिस होटल के अंदर ये ठहरे हुए सामने भी एक 5 स्टार होटल है, ये थोड़ी है कि वहां से खाना यहाँ पर आ रहा होगा।